एवरीवन होप गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज मेरे ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है बहुत सारी वेजिटेबल वॉश करने से ये टमाटोज़ लिए थे मैंने और आज आप लोग को मज़ेदार सी टमाटर की चटनी सिखाऊंगी मैं ठीक है ना स्टेप बाय स्टेप बहुत मज़ेदार बहुत ही लजीज़ और यहाँ पर मैंने लिए थे तीन किलो टमाटर ठीक है ना अच्छा क्या होता है कि हम लेते तो बहुत सारे हैं और लेकिन टमाटर के अंदर आपको पता है एटी परसेंट वाटर होता है और सिर्फ ट्वेंटी परसेंट उसका जितना भी बल्ब है ना तो, तो इसको जब हम खूब पकाते हैं खूब पकाते हैं खूब पकाते हैं ना तो उसका सारा जितना भी पानी है ना वो रिड्यूस हो जाता है और साथ रह जाता है बिल्कुल थोड़ा सा टमाटर ना तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है सिंपल सा इजी सा जब आपको बहुत जल्दी होना तो आपने क्या करना है यहाँ पे मैंने लेना है एक बड़ा सारा पैन लेना है यानी कि आप जो नॉर्मल जिसमें बिरयानी वगैरह बनाते हैं वैसा सा पैन लेने है ठीक हो गया अब यहाँ पर जल्दी है आपको और इतने सारे टमाटोस कट करने हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है तो यहाँ पर स्किन जो है ना वो जल्दी से पील ऑफ करने का ये आसान तरीका है कि हाफ़ कट कर लें आप जल्दी, जल्दी जल्दी अपने सारे टमाटोज अच्छा मैंने जल्दी बनाने की वजह से ना बड़े बड़े टमाटोज़ लिए हैं ठीक ठीक हो गया यहाँ पर आप इस तरह से इसको बिछा दें हल्का सा नीचे पानी डालें क्योंकि क्या होगा वरना बहुत जल्दी से आपके टमाटर हो जाएंगे बर्न तो हल्का सा पानी डालें ताकि जो है न, आपके जितने भी टमाटर हैं वो जब एयर लगेगी ना उसमें थोड़ा सा पानी भी रिड्यूस करेंगे तो ईज़ीलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि स्किन किस तरह मज़ेदार तरीके से रिमूव हो जाती है यहाँ पर मैं आज आप लोग के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और बस ये है कि मेरा ये बुध और जुमरात दोनों दिन का व्लॉग है और ये संडे को इंशाल्लाह अपलोड होगा तो आप लोग देखिएगा तो ये है कि बस उस दिन का जितना भी थोड़ा बहुत किया ये जो बुध के दिन मैंने तमाम काम किया था और हल्का फुल्का खाना बना लिया था लाइक टमाटर की चटनी ज़रूर बनाई थी क्योंकि ना ये मेरी नंद की तरफ से फरमाइश आई थी कि अब भाभी हाँ ये बना के दें और बहुत पसंद है सबको मेरे हाथ की ये टमाटर की चटनी मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और इतनी मेहनत करो और फटाफट से जल्दी से ये ख़त्म हो जाती है देखें इस तरह कितनी ईजिली टमाटर रिमूव हो जाते हैं ठीक हो गया अब इसमें आपने सिंपल से इंग्रीडियंट्स जाएंगे जो हमारे बेसिक्स इंग्रीडियंट्स हैं ठीक है अच्छा एक चीज़ आप बहुत ख्याल रखें क्योंकि मैंने जो चीज़ फेस की वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इस स्टेज में मिर्चें थोड़ी कम डालें क्योंकि मिर्चें थोड़ी एक्चुअली ये साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल की जाती है तो मिर्चें जो है ना अगर थोड़ी तेज़ भी हो जाए तो नो इशू लाइक खिचड़ी तारी या कुछ ऐसी चीज़ों के साथ दाल चावल जैसे हम साइड डिश खाते हैं वैसे उसके साथ ये सर्व की जाती है तो मैंने क्या किया है कि इसमें थोड़ी मिर्चें ना मेरी तेज़ हो गई नमक और मिर्चों पर हाथ हल्का रखें हल्दी डाल दें और लहसन अदरक का पेस्ट और जब यह आपके टमाटर बिल्कुल फुल डन हो जाए ना सारे अब देखें मैंने जब एक लॉट हो गया ना मेरा कम्प्लीट फिर मैंने सेकेंड लॉट बिछाया है ताकि इसी तरह ईयर में ड बंद करके आपने इसको पकाना है मीन माइल यहां पर मेरी तैयार हो रही है जबरदस्त ही तवा कलेजी तो आज बचा हुआ था मेरे यहाँ जो है पीर की थोड़ी सी दाल आपको बताए है, गर्मी है बच्चों से इतना खाना भी नहीं खाया जाता आप लोग की तरफ कैसी गर्मियाँ चल रही हैं ज़रूर बताइएगा बच्चे इतने उससे खाना नहीं खाते और ये जो है ना वीकेंड लाइक समझ लें बस वीकेशन स्टार्ट ही हैं बच्चों की और वही है कि बच्चों की जो है ना फरमाइशें माशाला से वो चलती ही रहती हैं और थ्रू आउट द विकेशन में आप लोग को पूरे ब्लॉग्स बताऊँगी सारी रूटीन शेयर करूँगी मेरे बच्चों की क्या रूटीन रहती है तो आप लोग को खूब मज़ा आएगा इन शाला आप लोगों ने मेरे साथ रहना है क्या भाई कनेक्टेड मेरे ख्याल में ना छुट्टियों में बच्चों की जो है ना वो रूटीन ज्यादा डिस्टर्ब हुई हुई होती है बहुत ज्यादा मेरे बच्चों को तो मैं पिछले साल मुझे अच्छे से याद है इस कदर गर्मी थी और मेरे बच्चों को लग रहा है गर्मियों में सर्दियों वाला आलम माँ घर में ना दिन में तीन तीन चार चार पांच पांच बार भूख लग रही पका पका के मैं रोटियां तोप तोप के थक गई अब मेरे मियाँ ने ये बोला है भाई अपने आप को सुकून दो और जो है रोटियां भले बाज़ार से मंगानी पड़े मंगा लो इस कदर गर्मी है कि मतलब आपका जो कहते हैं ना फॉर हेड से जो पसीना शुरू होता है वो आपके टोस पे जाके ख़त्म होता है ये वाला हाल चल रहा है सब हाउस वाइफ्स का यही हाल होगा क्यों भैया है ना कि नहीं है कि नहीं उसमें किचन में रहना और बच्चों की फरमाइशें घर में बैठ के वो सिर्फ माँ को जो है ना वो फार समझते हैं कि बिल्कुल को तहसील अगर कोई हस्ती है ना हमारे घर में वो माँ है <laughs> तो मेरे बच्चों का भी यही हाल होता है अब देखिए किस तरह रहती है इनके रूटीन इन लोगों से शेयर करूँगी और यहाँ पर आज आपको टोटली व्लॉग जो मेरा मिलने वाला है वो पूरा कुकिंग व्लॉग है तो बच्चों की जो है ना ये सर्दियों में वो सॉरी गर्मियों में जो है ना ज्यादा ही रूटीन छुट्टियों में खेल खेल के एक तो दोहरे हुए हुए होते हैं क्योंकि इनको तो गर्मी सर्दी किसी का एहसास ही नहीं होता खेलना अपने पीक पर होता है फिर थोड़ा पढ़ लिया फिर थोड़ा टी देख लिया बस इसी तरह ऑन एंड ऑफ रूटीन चल रही होती है बच्चों की तो बस ये आप लोग बताइए भाई आप लोग के अपने बच्चों के साथ कैसी रूटीन होती है मेरी तो बड़ी पिछले साल बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे ग्रोना पेज पर हैं और बड़े भी हो रहे हैं माशाल्लाह से तो उनकी इनकीपीटाइट में भी इजाफा हुआ है और माशाल्लाह माशाल्लाह से टचवुड कि ये भी एक नियमत है यार कि हम अपने बच्चों के लिए पका पा रहे हैं खिला पा रहे हैं और यकीन जाने बच्चों की आवाज़ लगती है ना कि अम्मा भूख लगी है तो कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो बैठी हुई सिर्फ ये इंतज़ार करे कि भाई बच्चा जाके ख़ुद कुछ भी खा ले वो खड़े होकर उन्होंने चूल्हे पे जाके अपने आप को तपाना ही होता है लेकिन इस मौ उसमें ना मेरे बच्चे काफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहुत हेल्पर्स हैं और जो है मेरा ख्याल भी करते हैं एहसास भी कर लेते हैं खुश शेख बना लेते हैं अब तो माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि ना अब को आम का सीज़न है तो शेक ख़ुद बना लेंगे और आ, जैसे मैंने केले इस तरह फ्रीज करके रखे थे तो ख़ुद निकाल लेते थे शाम में जब भूख लगती थी तो तीनों चारों के लिए बड़े वाले ने बना लिया या बेटी ने बना लिया तो वक्त समेजा एक जैसा नहीं रहता चेंज होता रहता है माशा से तो यहाँ बातों बातों में कलेजी बन गया और कलेजी में भी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने बनाया सिर्फ कसूरी मीठी और एंड में काली मिर्च डालेंगे ना बहुत ही लजीज़ फ्लेवर आ जाएगा बस यहाँ पे मेरी टमाटर की चटनी बिल्कुल डन हो गई थी अब यहाँ पे मैंने इस स्टेज पे राई कलौंजी और मेथी दाना थोड़ा सा डालना है और इसको भगाड़ लगा देना है ठीक है और इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी ख़ास तौर पे मंगाया था कि इस दफ़ा कड़ी पत्ता भी डालूंगी तो बस कड़ी पत्ता मेथी दाना राई और साबित थोड़ी सी मिर्चें और सीरा ये डाल के अब इसका लगा दे भगार और लजीज थी आपकी टमाटर की चटनी तैयार हो जाती है और यानी कि आप जो है ना बहुत मज़ेदार लगता है ये भी पता नहीं आप लोग ट्राई करते हैं कि नहीं सिरके में प्याज और हरी मिर्चें और कोकम्बर भी डाल देते हैं कुछ लोग वो डाल के खाओ ना तो गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है बड़ा सूदिंग सा रहता है दाल चावल और छोटी हल्की फुल्की चीज़ों के साथ आप लोगों ने जरूर मुझसे शेयर करना है आप लोग के बच्चों की क्या रूटीन रहती है और आप लोग का बहुत शुक्रिया मेरे कमेंट्स का इतना अच्छा अच्छा रिप्लाई देने का और आप लोग के कमेंट्स भी मैं बिल्कुल फोकसली पढ़ती भी हूँ और उसका फ़ौर से रिप्लाई भी देती हूँ और आप लोगों का जो कमेंट्स है ना वो मेरे लिए यार बहुत बूस्टअप कर देते हैं मुझे मैं फिर कैमरा उठाती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स जो है ना मुझे मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर रही हैं और माशाला माशा से इसका जो है रिवॉर्ड भी अब इतने तीन साल बाद मिलना शुरू हुआ है कि मेरे सब्सक्राइबर माशाला से गेन हो रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए मेरी बस यही है कि आप लोगों के साथ जो है ना मेरी ये जो बॉन्डिंग है ना यू ऑल आर माई फैमिली एक्चुअली ये जो चैनल है ना वो मेरा चैनल नहीं है वो आपका चैनल है क्योंकि आप लोग देखते हैं इसको सराहते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हो आती हूं। अम्मा की तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज थी तो मैं उन्हें दे रही हूँ अभी इस गर्मी में और बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके घर में तो उनको साबुदाना जरूर दें वो एक तो बहुत अच्छा जो है मील भी है यानी कि फुल आपको फुल भी कर देता है आपका स्टमक भी और नदरवर्ड से ठंडा भी होता है ना काफ़ी ठंडा होता है तो जो है ऐसा मसला तो वो साबुदाना बहुत अच्छा रहता है तो मेरी अम्मा को जो है ना मैं दो टाइम ये दे देती हूँ तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सुकून में रहती हैं यहाँ पर रोटियाँ 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 रोटिया, रोटिया। अच्छा मेरी औलादों को क्या है कि वो ना अगर एक से दो दफ़ा भी रोटियाँ बन जाएँ तो जो है वो दीवानी हो जाती है अम्मा आपने चावल इतने दिनों से नहीं बनाए तो मेरे यहाँ तो चावल ऐसे बनते हैं जैसे रोटी कम खाई जाती है और चावल ज़्यादा इनफैक्ट मैं या अम्मी या फिर आ, मेरे मियाँ रोटी खा लेते हैं शौक़ से अदरवाइज़ सब बच्चे को ना चावल मोस्ट फेवरेट है बाकी ये कि अब आपको वही पता है कि दाल चावल होते हैं जबकि अभी क्या हुआ था मंडे को मैंने दाल बनाई थी दाल के साथ चावल भी थे चावल फिर वो रहे 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 और मंगल को भी रहे और फिर जुमबुत को जाके जब मैंने दाल खत्म किए तो चावल

कुछ भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए और रिस्क की बेहरमती नहीं होनी चाहिए बहुत कोशिश करती हूँ ना रोटियाँ फेंकूं ना ही जो है खाने को डिस्कार्ड करूं कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ कभी थोड़ी दाल बच जाती है तो उसकी रोटियाँ मतलब पराठे बना के बच्चों को दे देती हूं दही के साथ तो बस इसी तरह आजकल गुजर रहे हैं हमारे दिन रोटी बनाना भाई मैं रोटी बनाने वाला बंदा नहीं हूँ मैंने तो यकीन जाने ससुराल आके यहीं पर आके रोटी सीखी है बनाना वरना मेरा वाला जो सीन है ना वो रोटी वाला तो हरगिज़ नहीं है <laughs> मैं जो ना चावल वाला बंदा थी और हमारे मैके में ये होता था कि रोटी जो है ना बाजार से मंगा ली जाती थी जबकि कुछ लोग कोई अजीब बात लगेगी कि कुछ लोग इस बात को बहुत गलत समझते हैं कि भाई रोटी जो है वो घर में बनानी चाहिए लेकिन क्या करें हमारे घर में ये आदत थी और अभी तक है कि रोटी ज़्यादातर बाहर से आती है यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा प्लेटर तैयार है दाल चावल प्लस कलेजी और मिर्चों का सॉरी टमाटर का अचार और साथ ही में जो है ना मज़ेदार सी प्याज तो बस ये ज़बरदस्त सा खाना अब इंजॉय करूँगी जब मेरे मियाँ फ़ोन कर देते हैं ना कि मैं लेट आऊँगा तो फिर मैं इंतज़ार नहीं करती फिर ये जुमरात की दोपहर है और मैंने बच्चों के लिए ठंडा ठार सा बना के रखा था फालसे का शरबत कि बच्चे आएंगे और मेरे बेटे का पेपर भी था तो वो आएगा तो उन लोगों को सबसे पहले यही सर्व करूँगी यार कोशिश करें जब भी गर्मी से घर में घुसें तो फ़ौर ठंडा पानी ना पिए प्लीज़ 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 बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उन्हें बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक होता है इस चीज़ से क्योंकि हम बाहर से गुजर घर में घुसते हैं और आते के साथ जब हम ठंडा पानी चिल्ड वाटर की तलाश होती है ना और वो हम डालते हैं वो हमारे जैसे कि तवे पे पानी डालने का काम करता है ना वही हमारी बॉडी पे करता है वो तो थोड़ी देर आएँ रूम टेम्परेचर पर अपने पसीने को सुखाएँ और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर हो जाए ना लाइक गर्मी से देन आप ठंडा ठंडा पानी पिए तो ये बेटर है अदरवाइज़ क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है चले भाई अब आगे जुमरात और जुमरात में कुछ ना कुछ मीठा बनना ज़रूरी होता है और अब मेरा आज इरादा था रसमलाई बनाने का तो मैंने चलो भाई रसमलाई की इंस्टेंट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहले भी कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी जो मैंने वीडियो आपके साथ पहले शेयर किया था मैंने लिया है एक कप पाउडर मिल्क कोई सा भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं एक टेबल स्पून लिया है मैदा हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर साथ ही जो है मैंने इसमें डाल दिया है आप एक चम्मच यानी एक टेबल स्पून ऑफ ऑयल और एक अंडा जाएगा ठीक है ना उसको बहुत अच्छे से ये देखें मिक्स करें अंडे के तीन चम्मच डालें अगर आपका बड़ा एग है तो तीन टेबल स्पून का मेजरमेंट रखें और बस ये पांच इंग्रेडिएंट्स के साथ बज़े ज़बरदस्त ही आपकी रसमलाई बनकर रेडी होती है दूध को मैंने बहुत अच्छे से कढ़ाया है बहुत अच्छे से कढ़ा लिया ना एक किलो दूध था मेरे पास और अब मैंने क्या किया कि, कि एक छोटा टी स्पून लिया है और उसमें इस तरह से ये आपकी क्या होंगी एक जैसी बॉल्स बनकर रेडी हो जाएंगी हाथ भी मैसी नहीं होंगे जैसे लास्ट टाइम मेरे हाथ बड़े मैसी हो गए थे तो आप एक टेबल स्पून या टी स्पून ले लें उससे मेजरमेंट करें और आप यहाँ पर खूब सारी रसमलाई घर में बेहतरीन से तैयार कर सकती है अच्छा कुछ एक चीज़ जो मैंने फेस की मे भी मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया थोड़ा सा मुझे और इसको मिक्स करना चाहिए था जो आ, आ, क्या कहते हैं इसको रसमलाई की जो रस आ, ये क्या कहेंगे मलाइयाँ हैं क्या बोलेंगे इसको मलाई बोलते हैं क्या बोलते हैं इनके पेड़ <laughs> अब मुझे नहीं बता भाई इसको रसमलाई क्यों बोलते हैं फिलहाल तो इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा रस भी देना चाहिए था और इन सेम वे मुझे इसको थोड़ा सा और गूंदना टाइप मिक्स करना चाहिए था चलो खैर है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है इंसान यहाँ पर मैंने देखे चौदह से पंद्रह माशाला से रस बना के रेडी कर दी हैं एक कप ऑफ मिल्क में क्या ज़बरदस्त है ना यार और अगर आप यही लेने जाएं तो मेरे ख़्याल में छः रस मलाइयाँ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बारह सौ की मिलती हैं आई थिंक या फिर आठ सौ की कुछ इसी तरह तो घर में बनाएँ हाइजैनिक होता है बहुत ज़बरदस्त होता है साफ़ तरीके से बनाया हुआ होता है और इंग्रीडियंट्स भी आपको पता होते हैं कि आपने क्या क्या यूज़ किए हैं बाहर के बेकार और बिल्कुल यूज़लेस इंग्रेडिएंट्स से आप बच जाते हैं हम भी खाते तो हैं यार वही बातें दुनिया का हिस्सा हैं खाना पड़ता है और बाहर से भी खाना पड़ता है लेकिन यह कि कोशिश करें घर में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं अच्छा आपने एक और काम करना है जो पैन लेंगे ना जिसमें आप बॉय करें बॉयल करेंगे अपना मिल्क उसको आपने जो है ना एक वाइट पैन लेना है वाइट मीन्स के बहुत ज़्यादा खुला बर्तन हो ताकि आपके जो रसमलाई है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगी ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई ना तो उनको फूलने के लिए मौका मिले अदरवाइज क्या होगा कि आपकी तमाम रसमलाइयाँ ब्रेक हो जाएंगी और टूट के बिल्कुल बिखर जाएंगी क्योंकि उन्हें फूलने के लिए मौका नहीं मिलेगा जगह नहीं मिलेगी तो बस आपने ये करना है अब यहाँ पे क्या किया मैंने जब देखा कि मेरी तमाम रसमलाई एक बार मैंने इसको पलट भी लिया था जब हो गई है ना तो मैंने इनको डिश आउट कर लेना है डिश आउट भी आप ऐसे करें कि इसको वाइट से बर्तन में डिश आउट करें और थोड़ा थोड़ा रस होता है जो वो एक्चुअली पी ही जाती हैं तो वो पी जाएंगी और यूं इस तरह आप पहले से पका के और फिर बाद में भी दूध को पका सकते हैं अगर आपने नहीं पकाया ये देखें क्या ज़बरदस्त मज़ेदार सी रसमलाई आपके घर में रेडी है और मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी अपने प्यारे से छोटू से हेल्पर की ये देखें ये जो मैंने आपको बताया था यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है आज इसमें नट्स कट करके दिखाऊंगी क्या बारीक नर्स करते हैं एक्सीलेंट वाले तो ये मेरे छोटू से हेल्पर है यार ये चीज़ें ना मेरी ज़िंदगी बड़ा आसान कर देती हैं मैं जो हूँ ना बहुत वो वाला बंदा नहीं हूँ जो किचन में बड़ी खड़ी रहे हैं पागल हो रही हैं औरतें और कुछ भी कर रही हैं तो भाई किचन से निकल नहीं पता चल रहा है पता नहीं देगे चढ़ी हुई हैं तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट -फट काम करने के हक़ में इसीलिए मैं ये शॉर्टकट्स ढूंढती रहती हूँ गैजेट्स और भले इनमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं लेकिन यह है कि मेरा काम जो है ना बड़ा आसान हो जाता है तो ये मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर देते हैं ये देखें कितना जबरदस्त विदिन अ सेकेंड हम मेरे बेहतरीन से नर्स जो है ना वो चॉप हो गए देखिए हम इतनी चीज़ें अपने कपड़ों पे अपनी चीज़ों पे हम अपनी कितनी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं ना तो अगर कोई बोले कि भाई ये तो फजूल खर्ची है नहीं भाई ये बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं है ये हमारे लिए जो है बहुत आसानी कर देती हैं हमारी जिंदगी में चीज़ों की जो अहमियत होती है ना वो हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर देती हैं क्योंकि हम जो है ना बड़े हैंडीली अपने तमाम काम को कर लेते हैं मैं भी आपको बताती हूँ कि एकदम जाके अपना बजट आउट नहीं करती ग्रेजुअली स्लोली थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाय करती रहती हूँ इससे मेरे बजट में भी कोई फ़र्क नहीं आता और जो महीने की थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो भी मैं उसके साथ भी माशाल्लाह से अपना तमाम काम कर लेती हूँ बस यहाँ पर मैंने तमाम रस मलाइयों को डिश आउट कर दिया सोचा था एक मोहल्ले में भी भेजूँगी और साथ ही नीचे तो जाना मस्त होता है चुमरात को कुछ भी मीठा बनता है तो हम लोग एक दूसरे को भेज दिया करते हैं नीचे मेरी देवरानी मुझे भेज देती है मैं उसको भेज देती हूँ देखे कितना प्यारा ज़बरदस्त बारीक से ये कट गए हैं हमारे नट्स थोड़े से पिस्ते थे और थोड़े से बादाम थे और ये क्या ख़ूबसूरत इसने चार चाँद लगा दिए मेरी रस को क्यों है ना बस इसी तरह गुजर रहे दिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह की जिस जिस नेमत का शुक्र अदा करें ना वो कम है कि जो चाहते हैं जो ख्वाहिश करते हैं अल्लाह मियाँ कोई ख्वाहिश रद्द नहीं होने देता तो इन चीज़ों की बरकत और हो आपकी चीज़ ज़िंदगी में इन चीज़ों की बरकत और बढ़ती जाए तो आपने बस शुक्र करना कभी ना छोड़ना है बस शाम में बस हम मीठा बना बना के बैठे और मगरब होने वाली थी जुमरात का दिन था तो मेरे बच्चे लिया यहाँ पर शेख बना के हमारे लिए तो हमने यहाँ पर शेक इन्जॉय किया और आपको पता है थोड़े थोड़े बाद स्वेटिंग होने लगती है तो लाजमी कुछ ना कुछ पीते रहें लीमू पानी पी लें सी ए थाउजेंड पी लें या फिर वो पी लें क्या भला आप जो पीते हैं ओ वगैरह है ना वो भी पिए तो उससे बहुत जो है डिहाइड्रेशन होने से बच सकती है बस यहाँ पर जुमरात का दिन था और बहुत सारी सब्ज़ियाँ हमें जो है फ्रिज में चढ़ा रही थी मुँह तो मैंने बोला कि मिकरानोनी वगैरह बनी नहीं थी तो वो जो वेजिटेबल्स मैं लेकर आई थी याद हो किसी को मुझे मेरा वेजिटेबल व्लॉग तो वही मैंने तमाम वेजिटेबल निकाली हैं उनको कट किया है कट तो हुई भी थी बिल्कुल रेडी टू कुक थी तो इनको दो चीज़ें बस मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी एक गाजर और एक शिमला मिर्च मटर उबाल लिए हैं कि वो हमें सताए ना और यहाँ पर तैयारी हो रही है लाइक लाइक हमारी क्या बनने की लौकी के रायते की ठीक हो गया यहाँ पर मैंने सब्जियों में डाले सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा गरम मसाला साबित डाल के तेल में उसको क्रैकल किया है देन मैंने अपनी तमाम सब्ज़ियाँ डाल दी हैं थोड़ी प्याज प्याज तो ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगी टमाटर डाल के थोड़ा सा मसाला सा बना लिया लेकिन बहुत लजीज़ बनी थी चिकन क्यूब्स डाल दिया चिकन पाउडर डाल दिया इसको इतना बुना है कि एक दो बॉयल आ गए हमारे आलू डाल दिए आलू जब तक हमारे हल्के से गल हैं तो फिर मैंने इसमें चावल और पानी डाल दिया ठीक है ना और ऑयल आप देख लें अपने हिसाब से कर लें तो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ भी जो है ना वो बिल्कुल एंड होने वाली है मैं लो भाई बकरे ही दाने वाली है चलो भाई जल्दी जल्दी करें अपना फ्रिज भी खाली ताकि जो है फ्रिज को क्लीन भी तो करना होता है बकरे से पहले ऑब्वियसली सभी करते होंगे इन शाला वो क्लिनिंग और तमाम क्लिनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बस अभी थोड़ी सी गर्मी सांस लेने देना तो फिर दिल को बस ही नहीं चल रहा कि अभी किचन साफ कर दूँ लेकिन वही बात है कि हिम्मत ही नहीं साथ दे रही कि किचन में जाया जाए और कुछ एक्स्ट्रा किया जाए लौकी के रायते की तरफ आ जाते हैं मेरी छोटी नंद जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लौकी का रायता बनाती है उसी से रेसिपी पूछी जिंदगी में पहली बार लौकी का रायता बनाने लगी हूँ अब कोई बोलेगा भाई ये क्या लौकी का रायता तो इतना आसान और इतना आम सी चीज़ है सब लोग बनाते होंगे लेकिन मैंने पहली बार ट्राई किया तो भाई जो मैं पहली बार ट्राई करूँगी वो तो मैं आप लोग को बताऊँगी ना बस इसी चीज़ पर मैं इसको दम लगा दूँगी और लजीज सा सब्ज़ी पुलाव कोई चिकन नहीं कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसमें जस्ट चिकन पाउडर चिकन क्यूब्स और थोड़े से अपने बेसिक से मसाले डाल के यानी मिर्ची कम डाली है और इसको बना लिया दूसरी तरफ यहाँ पे लौकी मेरी थोड़ी सी मैंने की थी कद्दूकश ठीक है ना और उसके बाद हाफ़ के जी थी लौकी और इसका पानी सिर्फ़ इसी तरह हल्की आंच पे करके रिड्यूस कर लिया है अब यहाँ पर मैं इसको खूब अच्छे से रिड्यूस करने के बाद इसको मिक्स करते जाएं क्योंकि लौकी अपना पानी बहुत सारा रिलीज़ करती है तो बस इसमें सिंपल सा क्या जाएगा इसमें जाएगा दही जब आपका लौकी बिल्कुल वो हो जाए ना लाइक पानी इसका एवोपरेट हो जाए तो आपने इसको रख देना है रूम टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए फिर यहाँ पे हम साइड में क्या कर लेंगे हम फटाफट से ले लेंगे एक बोल और उसमें हम डालेंगे दही दही मैंने तकरीबन हाफ केजी के जी के करीब दही लिया है इसमें थोड़ा सा जाएगा हमारा नमक और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ठीक है इस स्टेज पे पिसी हुई मिर्चें कुटी हुई मिर्चें भी डालती हैं लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मैंने जो है ना प्याज जो चॉप करके रखी थी ना उसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी तो उससे मैंने बोला कि चलो म, मज़ा जो है बैलेंस हो जाएगा बस आपकी जो वो होगी लौकी इसमें डाल दें और साथ ही प्याज और हरी मिर्चें डाल दें जो आपने चॉप की मैं बिल्कुल अंडे वाले बनाते हैं ना प्याज का अंडा उसी टाइप की ठीक है ना पानी डालने जितना आपको रिक्वायर्ड है और साथ इसमें बस हम लगा देंगे भगार जब हम चख लेंगे ना पानी डालने के बाद कि भाई इसमें नमक मिर्चों की कमी तो नहीं है देन हम इसको भगार लगा देंगे भगार हम लगाएंगे सिंपल कड़ी पत्ते और जीरे का चाहे तो साबित मिर्च भी डाल लें लेकिन ये भगार भी बहुत ही ज़बरदस्त था तो बहुत मज़ेदार सी ये हमारे लौकी का रायता रेडी हो गया और आप देखें खाएँ और बनाएँ और सर्दियों में ना यार सर्दी क्यों मेरे मुंह पे आ रही है इतनी गर्मी पसीने में बैठी अभी भी यकीन जाने वॉइस ओवर करते भी हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि पंखा चला नहीं सकती हूँ तो क्या है कि और सर्दी मेरे मुंह पे चढ़ी हुई बता है बताएं कितना फबल करती हूँ मैं कभी कभी तो गर्मियों में जो है ना ये बहुत सूदिंग करता है आपको बहुत ठंडा ठंडा था मज़ेदार सा जो ये अभी खाया ना हमने गर्म गर्म वो अलग लेकिन जो हमने अगले दिन खाया ना दोपहर को वो तो भाई उसने तो ज़बरदस्त ही कर दिया हमारा तो बस इसी तरह हुआ हमारे जुमरात का भी अख्तिताम बस बीच में जो मैंने एक गैप लिया था ना आ, थोड़ी देर बैठ के जो शेक पिया था उसी के बाद फटाफट हम सब ने नमाज़ें पढ़ी जारते वारसा पढ़ी सब पढ़ पढ़ा के बस हमने चिकन ये अपनी सब्ज़ी का, का काम किया है वेजिटेबल पुलाव हमारा डन था मज़ेदार सर लजीज सा ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर बोलेंगे तो रेसिपी दे दूँगी और इस तरह हमने सर्व किया पहले फातह दिलाई मेरे ससर की हमेशा हर जुरात को फ़ातह आती है जो जो हमारे मरहूमी ने उनको ज़रूर अपने फातिहा में याद रखें क्योंकि वो हमारे मोहताज होते हैं क्योंकि हमें भी कल किसी का मोहताज होना है तो बस इसी नोट के साथ कि आज, आज का आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपका यहाँ तक मेरे साथ रहने का बहुत 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 सारा शुक्रिया आप लोगों ने इसी तरह मुझे फीडबैक देना है मेरे चैनल को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं और बुरे बुरे भी दे सकते हैं यार इंसान से गलती होती है उस गलतियों को मैं सुधारती हूँ तो अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल दूसरों की जिंदगियों में आसानियाँ बांटें खुदा आपकी ज़िंदगी को बहुत सारा आसान कर दिएगा मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज